हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सिया हिमाचली ब्लॉगर में। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम जो बाज़ार में गए थे और जन्माष्टमी की आपको रौनक बताई थी कि कैसी होती है, तो आज मैं आपको यहाँ पर उस मंदिर में लेके जा रही हूँ जो जम्मू का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और आज तक वहाँ तक कैमरे ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन आज इत्तेफाक से जो है कैमरों को अलाउड कर दिया था। तो आज मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वो है रघुनाथ मंदिर। तो उसकी रौनक ही बहुत ही थी, बहुत ही ज़्यादा। अंदर से आप देखोगे उसकी रौनक बहुत ज़्यादा थी। आज यहाँ पे जो कैमरे तो अलाउड नहीं है, लेकिन आज के दिन इन्होंने छूट दी थी कैमरे की, तो हम भी लेके गए। तो चलिए बने हमारे साथ और देखिए। साइड में डाल दो, ये लाइफ डाल देनी की थी मेरे को, ये इनकी फोटो लेना है, ये ना वीडियो बननी थी थोड़ी छोटी सी। तो आप जो देख सकते हो रघुनाथ मंदिर जी की रौनक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है यहाँ पे। अंदर की रौनक आप देख सकते हो और कितना खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है यहाँ पे मंदिर। बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मेरा पर्स कहाँ गया? तो चलिए आज मैं आपको रघुनाथ जी के मंदिर के प्रतिमा के दर्शन करवाती हूँ। तो आज कैमरों को अंदर ले जा सके, यानी कि मोबाइल को अंदर ले जा सके, तो इसी कारण जो ये संभव हो सका कि आप भी यहाँ के प्रतिमा के दर्शन कर सको। तो मैं आज आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में बताती हूँ। तो रघुनाथ मंदिर जी का निर्माण जो है 1857 में महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मंदिर में अंतरात हिस्सों में सोना लगा हुआ है जो तेज स्वरूप है। मंदिर के कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं। तो पहले आप जो है मंदिर की प्रतिमा यानी कि रघुनाथ मंदिर जी के दर्शन कर लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, मेरे साथ तो पहली बार हुआ ऐसा कि कैमरा को अंदर ले जा सके और हम इसकी वीडियो शूट कर पाए, और बहुत ही खुशी मिल रही थी मुझे ताकि मैं आपको भी अंदर तक इनका व्यू दिखा सकी और जन्माष्टमी की रौनक दिखा सकी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं कि वो कहाँ पे है। अंदर तो नहीं लेके जा रहा।
ये सारे पेपीस करोड़ देवता जो यहाँ पर वास करते हैं, यानी कि यहाँ पे बसते हैं। तो आप जम्मू आए तो यहाँ पर ज़रूर आए घूमने के लिए। तो ये देखिए जो ये रूम्स है ना यहाँ पर, ये देखिए ये जो पिंडीर के रूप में विद्यमान है यहाँ पर, तो ये सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। कर देगा दक्ष, उदगा उलगा चला, थोड़ी हुई थे इसकी गर्दन ना। तो ये जो है ये इन्होंने मुझे कहा कि चलो आज अब हम आप भी हमारे साथ चलो, तो मैं भी इनके साथ गई। ये मेरे नेवर हैं तो इन्हीं के साथ मैं आई यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में। तो इनका बेटा ये दक्ष, ये बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रहा था तो बड़े प्यारा सा लग रहा था। तो ये देखिए अब इसको भी ये अंदर अंदर जो होता है बैठे बैठे दो बच्चे जो होते हैं थोड़ा ये हो जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे खुला खुला सा लग रहा था इनको, और मंदिर में तो फिर भी वैसे भी बहुत ही मज़ा आता है जाने का, बड़ी एक सुकून सा मिलता है। तो बहुत ही खुश था ये भी यहाँ पर आके। तो ये देखिए यहाँ पर जो ना हर देवी देवताओं का जो है एक प्रतिमा बनाई हुई है, हर देवी देवता की यहाँ प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए शेषनाग जी यहाँ पर, तो ये जो है गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए तो यहाँ पर जो ना सफाई का बहुत ध्यान रखा गया, बहुत ही यानी कि आप मान सकते हो यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा सफाई थी और बहुत ही साफ सुथरा मंदिर था ये। ये देखिए आप बहुत, और ये बाहर से भी व्यू बहुत ही अच्छा था इसका। तो हर देवी देवता जो यहाँ पर और इनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है, देखिए। तो ये जो प्रतिमा थी ये थी राधा और कृष्ण जी की। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और कितने खूबसूरती के साथ इन्होंने इनका श्रृंगार किया गया था और कितने अच्छे लग रहे थे ये, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और कितना अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा। और देखिए बहुत प्यारे से लग रहे थे। और यहाँ पे ना एक लेडीज़ जो है ना नटू गोपाल को यानी कि छोटा सा कृष्ण जी यानी कि कान्हा जी को लेके आई हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे माखन मिश्री खिलाया कृष्ण और राधा जी। महालक्ष्मी जी का मंदिर तो अब फिर से हम बाहर की तरफ आ गए यानी कि जो ग्राउंड की तरफ मतलब आगे वाले हिस्से में। तो ये देखिए बहुत ही रौनक, रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा था रघुनाथ मंदिर जी का। तो जम्मू का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर जी। तो जो भी यहाँ पे जम्मू कभी भी आए तो यहाँ पे आना ना भूलें, क्योंकि जो भी यहाँ आता है तो यहाँ के दर्शन करके ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखा गया था, और साथ में जो है यहाँ पर सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था। और बहुत बड़ा मंदिर है ये, काफ़ी बड़ा है ये। तो आज इत्तेफाक से आपने भी दर्शन कर लिए और हमने भी दर्शन कर लिए। ये गायत्री माता जी की प्रतिमा है। ये देखिए ये जो मेरे साथ आई थी ना, ये लड़की जो है ना मेरी ट्यूशन में पढ़ती है, इसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और ये साथ में ये जो बड़ी है इसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो ये डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। अब म्यूज़िक को तो मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक तो हम नहीं डाल सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी ये।
ये तो गाना लगा हुआ था यहाँ पे, तो तब डांस कर रही थी ऐसे। तो बच्चे हैं, जैसा मन करता है वैसे करते हैं, मतलब मौज मस्ती वाले होते हैं, उनको तो सब कुछ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कर रहे हैं वैसे ठीक है, क्योंकि और अच्छे भी लगते हैं ऐसे। अभी यहाँ पर जो है ना रात के फंक्शन की तैयारी हो रही थी, यानी कि रात को जो भजन कीर्तन होना था ना यहाँ पर, उसकी तैयारी हो रही थी। तो अब वो जो 8 बजे के बाद ही प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन हम जो थे कोई लगभग 6:30 बजे के पास आ गए थे, और 8:30 बजे हम जो है निकल गए। तो वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन यहाँ का मैंने आपको बता दिया कितना अच्छा था। और ये देखिए बहुत इंजॉय कर रही थी ये यहाँ पर। तो ये देखिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, यहीं पर जो है भजन कीर्तन होगा रात को। तो अब रात के 12 बजे तक जो यहाँ पे भजन होता रहेगा। तो बस ये देखिए छोटे छोटे से कृष्ण जी बन के आए हुए थे, ये देखिए छोटा सा कृष्ण ये भी बन के आया था, कितने प्यारे से लग रहे थे ये। तो बहुत से बच्चे आए थे यहाँ पे कृष्ण बन के, और काफी इंजॉय कर रहे थे यहाँ बच्चे। तो चलिए फिर आगे मैं आपको जो है यहाँ पे जो कृष्ण जी, छोटे कृष्ण जी भी का मतलब रूप यहाँ पे लाया हुआ था, तो मैं आपको बताऊंगी वो भी। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आगे मिलते रहेंगे आपके साथ ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आगे मैं आपको जो है कृष्ण जी के भी दर्शन करवा देती हूँ, तो फिर उसी के साथ जो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ही विराम दूंगी। तो यहाँ पर जो देखिए पूरी तैयारी हो रही है, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।